हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है फिर से मेरे और एक न्यू वीडियो पे। तो आज मैं आप सबके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं घर पे होम में चाउमीन बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये इसको आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन। ये है चाउमीन एंड देन ये केवेज। ये बस 25 रुपीस का था, बहुत छोटा है, पर आई बॉट दिस फ्रॉम रुपीस 25 एंड देन 60, 45 एंड देन चिल्ली ऑनियन एंड 50 रुपीस का मीट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं चिकन को यहाँ पे बॉयल करने के लिए बताया है। गाइस ये अभी उबल रहा है, तो जब तक ये उबल रहे आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो जो नए हैं, एंड शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, उसके बाद कमेंट भी ठोक देना। तो चलो देखते हैं कब तक ये पकेंगे। तो दोस्तों अभी मेरा चिकन पक गया है, इसलिए अभी इसको हम निकाल रहे। वाह, ये चिकन का सूप को नहीं फेंकेगा, चिकन का ये झूल को इसको हम सूप बनाएगा। इसलिए सूप के लिए हमने जिंजर रेडी किया है। ये मेरा जिंजर, ठीक है। तो अभी मैं चाउमीन को बॉईल करूँगी, चाउमीन को आग पे बिता दूँगी। तो मेरे चिकन पक गया है, तो अभी मैं ये चाउमीन को बॉईल करूँगी। बस ये एक पैकेट चाउमीन है, क्योंकि हम सिर्फ दो आदमी हैं, मैं और मेरे भाई, तो हम दोनों के लिए ये। अब किचन नहीं है इसलिए। ओहो पूरा टूटा पुता हो गया। वाओ या होला नहीं होगा माता। ओके अभी इसमें पानी लेके आऊँगी, पानी करके आग पे बैठाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। ये एक मैगी की तरह है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं मेरा लाइफ में। पता नहीं टेस्ट होगा कि नहीं होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बाद में कमेंट पे बताना आप लोग। ये पानी हो जाएगा क्या? चाउमीन को आग पे बैठा दिया है। ये ढक्कन को पहले हम जो यहाँ पे बंद किया था, इसलिए अभी बहुत गर्म है। अभी इसको हम चिकन को निकालेगा। यहाँ पे मैंने चाउमीन को बैठा दिया है, तो चलो रुकते हैं पकने तक, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीट को यहाँ पे अलग से निकालूंगी, एंड देन जो ये बचा इसको मैं सूप बनाऊंगी। तो चलो बस मैंने 50 रुपया का मीट लिया था, इसलिए बहुत कमती है ऐसे चो में यूज़ करने के लिए। बस मैंने 50 रुपया का लिया था, तो ये बहुत कमती है, पर कोई बात नहीं, ये जुड़ जाएंगी। अब तक मेरे ये पक रहा है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली मेरा चाउमीन बॉयल हो चुके हैं, तो अभी इसे मैं निकाल दूँगी। तो निकालने के बाद अब इसे मैं फ्राई करूँगी। मैं निकालने जा रही हूँ, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। टिप टिप टिप, तो अभी ये पक चुके हैं, अभी इसे मैं निकालूंगी। तो अभी इसे दोस्तों मैं सभी निकालने जा रही हूँ। तो इसे ऐसे करके निकालूंगी ये सूप को। तो अभी इसे मैं यहाँ पे निकाल दिया है, फर्स्ट यहाँ पे था, अभी यहाँ पे निकाल दिया है। तो अभी मैं वेजिटेबल्स काटूंगी, ओनियन कैबेज। तो वीडियो पर बने रहना। तो गाइस अभी मैं ये प्याज काटने जा रही हूँ, ओनियन। तो इसे मैं अभी छोटे छोटे करके काटूंगी।
तो गाइस मैंने प्याज भी काट लिया है, तो अभी मैं फ्राई करूंगी, चाउमीन बनाऊंगी, तो वीडियो पर बने रहना। तो ऑनियन भी कट के रेडी हो गया है, अभी मैं कढ़ाई को बैठाऊंगी फ्राई करने के लिए। फर्स्ट मैं कढ़ाई को बैठाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं ये ऑयल डालूंगी। ओ माय गॉड, ज़्यादा ही हो गया, पर कोई बात नहीं। एंड देन थोड़ा सा ऑनियन को डालूंगी। मैं कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लिया है, बस एक छोटा सा केवेज और थोड़ा सा ऑनियन एंड थोड़ा सा चिकन लिया था, तो ये ऑनियन को थोड़ा पकने देगा। तो अभी मैं प्याज पक गया है, तो अभी मैं इसे चिकन को डालूंगी। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीस में किया है, तो चिकन को डाल दिया है। तो मेरा मीट पक चुका है, तो अभी मैं ये चाउमीन को डालूंगी। ओह, सब गिर गया, हम थोड़ा थोड़ा डालने के लिए कर रहे थे, सब गिर गया। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अभी ये तो मैं इसे अभी अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो अभी ये सफ़ेद है, वाओ, इसको क्या बोलता था मुझे पता नहीं, मैं इसमें शायद कुछ ज़्यादा ही मिला दिया है। तो इसे मैं मिक्स करके आप लोगों को दिखाऊंगी। इट्स लुकिंग वेरी टेस्टी, बट जब मैं अपने मुंह पे घुसाऊंगी तो ये टेस्ट होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइस। तो ये अच्छी तरह से, तो फाइनली दोस्तों माय चाउमीन पक गए हैं, मेरा चाउमीन पक गया है। तो दोस्तों अभी मैं ये वेजिटेबल्स काटूंगी, ये केवेज को। ये केवेज 25 रुपीस से मैं लेके आई थी, इतनी छोटी है, बहुत छोटी है, ये गुआबा जैसे है। तो मैं अभी इसे पीच पीच में काटूंगी, छोटे छोटे में, तो चाउमीन में मिक्स करूंगी चाउमीन के ऊपर में। तो बने रहना मेरा वीडियो पे, स्मॉल स्मॉल उसमें मैं कट रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, वाओ, मैं भी एक परफेक्ट चिप बन सकती हूँ कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताना मुझे, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग के कमेंट पढ़ते हुए। तो गाइस फाइनली ये है मेरा चाउमीन, अभी मैं इसे ट्राई करूँगी। वाओ, ये देखने में बहुत टेस्ट हो रहा है, ये मेरा है, ये मेरा भाई का है, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी मैं चाउमीन ट्राई करूँगी, ये मेरा फर्स्ट बाइट, फर्स्ट आप लोग के लिए। एंड देन नाउ खा लो एंड देन नाउ माय टर्न। वाओ, इट्स यमी, बट रेस्टोरेंट से बहुत कम है, कुछ खास नहीं है। दोबारा अभी मैं लाइफ में चाउमीन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये चाउमीन खाने में तो टेस्टी है, थोड़ा से रेस्टोरेंट से कम है, रेस्टोरेंट पर इससे बहुत आगे है, इसलिए मैं इसे वन भी नहीं देगा। तो ये है गाइस मेरा भाई, तो ये चाउमीन खा रहा है। चाउमीन कैसे है? बहुत टेस्टी नहीं है। ऐसे मत बोलो यार, ये है सूप, इतना बड़ा चम्मच पे है और वो हाथ पे है पेप्सी। एंड देन ये मेरा पेप्सी। तो फाइनली गाइस मैं अपने वीडियो यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ। जो मैं चाउमीन बनाई थी वो कुछ खास नहीं था, ज़्यादा टेस्टी नहीं था, बट कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए
ऐसे बनाया था। जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो इससे भी बहुत अच्छा बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और फॉलो मी ऑन इंस्टा यंकी ऑफिशियल। Bye bye. Have a nice day. I just can't say I don't love you.